प्रियंका गांधी ने वायनाड में रचा इतिहास, दर्ज की 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत, फिर भी कांग्रेस नहीं पहुंच सकी 100 के पार, फिर भी कांग्रेस 99 के फेर में अटकी रह गई। कभी देश की सत्ता संभालने वाली कांग्रेस की हालत आज ऐसी हो गई है कि जिस राहुल गांधी को कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता जननायक कहते फिरते थे, महाराष्ट्र की जनता ने उस जननायक को ही सिरे से नकार दिया और 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पूरी कांग्रेस महज 15 सीटें ही जीत सकी। लेकिन इसके बावजूद लगता है कि कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केरल की वायनाड सीट से प्रियंका गांधी ने 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से प्रचंड जीत हासिल की है, जिसकी खुशी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस कदर गदगद नजर आए कि लड्डू खाते हुए नजर आए। ये तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की हार एक तरफ और गांधी परिवार से आने वाली प्रियंका गांधी की जीत एक तरफ, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र की हार का गम भुलाते हुए लड्डू खाते तो नजर आए, तो वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को ये लग रहा होगा कि प्रियंका गांधी के जीत हासिल करने के बाद कम से कम 99 के फेर में अटकी कांग्रेस ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन जरा ठहरिए, प्रियंका गांधी जीत भले ही गई हो, लेकिन अभी भी कांग्रेस 99 के फेर में ही अटकी हुई है। कैसे 99 के फेर में अटकी कांग्रेस? दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली थी। 2 सीटों से चुनाव लड़े राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट छोड़ दी थी, जिससे कांग्रेस के पास लोकसभा में सिर्फ 98 सांसद ही बचे रह गए। नांदेड़ से जीते वसंत राव चौहान के निधन से 1 सांसद और कम हो गए। इस तरह से 99 सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस के पास 97 सांसद रह गए, यानी लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस के पास 97 सांसद ही थे, तो वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ और केरल की वायनाड सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की। वायनाड में प्रियंका गांधी 4,10,931 वोटों से जीत हासिल की। नांदेड़ में कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र चौहान ने 1,457 वोट से जीत हासिल की। इस तरह से कांग्रेस के पास फिर से लोकसभा में 99 सांसद हो गए हैं, लेकिन 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। हालांकि महाराष्ट्र की ही सांगली सीट से निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, लेकिन खुद कांग्रेस ने ही अपनी वेबसाइट पर विशाल पाटिल का नाम नहीं लिखा, यानी वो उन्हें अपना सांसद नहीं मानती। तो इस तरह से देखे तो कांग्रेस के पास अभी भी महज 99 सांसद ही हैं। तो वहीं जब तक प्रियंका और नांदेड़ सांसद रविंद्र चौहान शपथ नहीं ले लेते, तब तक कांग्रेस के पास 97 सांसद ही रहेंगे। बहरहाल, कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस की इस हालत पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही पीएम मोदी ने चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी है। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है। मैं देश भर के भाजपा के
एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। मैं श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजीत पवार जी, उन सबकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। साथियों, आज देश के अनेक राज्यों में उपचुनावों के भी नतीजे आए हैं। नड्डा जी ने विस्तार से बताया है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लोकसभा की भी हमारी एक सीट और बढ़ गई है। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान ने भाजपा को जमकर समर्थन दिया है। असम के लोगों ने भाजपा पर फिर एक बार भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में भी हमें सफलता मिली है। बिहार में भी एनडीए का समर्थन बढ़ा है। ये दिखाता है कि देश अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं का, हमारे युवाओं का, विशेषकर माताओं बहनों का, हमारे किसान भाई बहनों का, देश की जनता का आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, मैं झारखंड की जनता को भी नमन करता हूं। झारखंड के तेज विकास के लिए हम अब और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और इसमें भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपना हर प्रयास करेगा।